Vanakkam, this is Haider Ali Sayyed from Asivagam, United under Tamil Shiva. Christian kitabon ko dekhen to Jesus wo savior hai jo Christian kitabon mein humko milta hai ki wo dobara aayenge, lekin kai jagah Christian kitabon mein swam Jesus ke alawa kisi aur ke aane ki bhi baat ho rahi hai, yani do hastiyon ko aana hai, lekin aam taur par Christians hi mante hai ki Jesus ko hi aana hai, ab wahi savior hai. वो जीसस ऑफ नाजरत यानी नाजरत में पैदा होने वाले जीसस के तौर के ऊपर आए थे और फिर दोबारा से उनको दुनिया के खत्म होने के समय से पूर्व एक बार फिर मसीहा के तौर के ऊपर आना है. सारे जीसस को मानने वाले उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि वो जब दोबारा आएंगे और दुनिया को तमाम ईविल से, तमाम बुराई से, तमाम कमजोरियों से जो है, जो हमारे समाज को जकड़ चुकी है, उससे हमको आजाद कर देंगे. डेनियल ने 580 BC में उन्होंने प्रोफेसाई किया कि 77 आर डिक्रीड फॉर योर पीपल एंड योर होली सिटी टू फिनिश ट्रांसग्रेशन, टू पुट एन एंड टू सिन, टू अटोन फॉर विकेडनेस, टू ब्रिंग इन एवरलास्टिंग राइटियसनेस, टू सील अप विजन एंड प्रोफेसाई एंड टू अनॉइंट द मोस्ट होली. No one understand this from the issuing of the decree to restore and rebuild Jerusalem until the Messiah comes. There will be 7 sevens and 62 sevens. It will be rebuilt with streets and a trench, but in times of trouble. After the 62 sevens, the Messiah will be cut off, but not for himself. The people of the ruler to come will destroy the city and the sanctuary. Daniel 9:21-26 जो कि 580 BC में लिखा गया. इसमें बहुत सी बातें अभी भी नहीं समझ में आ रही हैं. 77s क्या है, 62 sevens क्या है, 7 sevens क्या है, ये सब बता पाना. लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ हो रही है वो ये कि जब ये दूसरा मसीहा, जो आखिरी मसीहा है, ये आएगा तो ट्रांसग्रेशन यानी जुल्म, यानी किताबों से जो हम दूरी इख्तियार की है, वो सब खत्म हो जाएगा. सिन यानी गुनाह समाप्त हो जाएंगे. विकेटनेस चालाकी वो खत्म हो जाएगी और हर तरफ राइटियसनेस यानी धर्म, सच्चा रास्ता वो फैल जाएगा. टू सील अप द विजन एंड प्रोफेसाई एंड टू अनॉइंट द मोस्ट होली, जिस समय वो मसीहा जो है वो आएगा. नंद्री वनकम.